समस्या है, यहाँ पे बरसात आता है तो इतना पानी लग जाता है, पानी में जाने में पब्लिक को बहुत दिक्कत। पानी कैसे निकलेगा सर, नाला नहीं है, कचरा कैसे किया? आप देखिए कचरे की स्थिति इतनी खराब है यहाँ पर। कॉन्सम टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, आइए हमसे जुड़कर इंटरनेट का सेवा प्रदाता बनिए। नमस्कार, मैं विकास आनंद, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। अभी हम मौजूद हैं सिमराही नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में। यहाँ हम लोग मौजूद हैं यहाँ के जन समस्याओं का ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। जो है नगर पंचायत कहने के लिए है, लेकिन यहाँ आकर के देख करके लगता है कि नगर पंचायत का कोई भी लक्षण, कोई भी गुण इस वार्ड में नहीं दिखता है। जन समस्याओं से भरा हुआ ये वार्ड है, जिसे कि मैं यहाँ के कुछ नागरिक हैं, इस वार्ड के रहने वाले नागरिक हैं, उनके समक्ष उनके द्वारा जो जन समस्याओं का वो लोग जो है हर एक दिन उन लोग को मुकाबला करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, उसके बारे में उनकी जुबानी आपको बताएंगे। जो है सर, आपका नाम? दिनेश कुमार दास। अच्छा, ये बताएंगे इस वार्ड में क्या किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, क्या समस्याएं हैं? जल समस्या है, यहाँ पे बरसात आता है तो इतना पानी लग जाता है, पानी में जाने में पब्लिक को बहुत दिक्कत होता है, गाड़ी घोड़ा का समस्या रहता है, गाड़ी घोड़ा भीड़ लग जाता है यहाँ पे, वही सब समस्या रहता है। जी। और भी हमारे साथ में यहाँ के नागरिक मौजूद हैं, वार्ड नंबर 6 और 4 दोनों देखिए आसपास में है। अभी हम जहाँ खड़े हैं वार्ड नंबर 6 है, और सामने में जो घर आप देख रहे हैं वो सब वार्ड नंबर 4 है। वार्ड नंबर 6 और 4 दोनों आमने सामने में, दोनों ही वार्ड के लोग यहाँ हमारे साथ में मौजूद हैं। अभी हम फिर बात करेंगे यहाँ के इस वार्ड के लोग हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि उन्हें किस समस्या का सामना करना पड़ा। नमस्कार। नमस्ते सर, आपका नाम क्या है बताएं? मेरा आकाश अंसारी हुआ। बहुत बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या तो आप देख सकते हैं, रोड की बहुत बड़ी समस्या है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है। जी, यहाँ आप गाड़ी घुसा नहीं सकते हैं। आपके आपके घर में कोई इमरजेंसी हो गया तो आपको गाड़ी निकालने के लिए बहुत सोचनी पड़ेगी, पहली बात तो जी। दूसरी बात है, बरसात आती है तो यहाँ की स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई है। डेंगू है, मलेरिया जैसी बीमारियाँ हैं, पानी आप जैसे देख रहे हैं कि पूरी पानी लग रही है यहाँ पर, तो इस पानी में बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही है लोगों के बीच में। बच्चे हैं, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं खेलने के लिए, तो बहुत बड़ी समस्या है सर। ये नाला नहीं है सर कहीं भी, पानी कैसे निकलेगा सर, नाला नहीं है, कचरा कैसे किया? आप देखिए कचरे की स्थिति इतनी खराब है यहाँ पर कि लोग आ जा नहीं सकते हैं कहीं से भी, बहुत स्थिति खराब है। जी देखिए, वार्ड नंबर छः के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ, इसे सिमराही नगर पंचायत का हाट बाजार भी कहते हैं, हटिया बाजार भी कहते हैं, गुदरी हाट कहते हैं। और ये हटिया बाजार जो है सुपौल जिला के सबसे पुराने गोल बाजार, हाट बाजार में इसकी गिनती आती है। सबसे अधिक रेवेन्यू जो है किसी एक हाट से अगर होता है सुपौल जिले को, तो वो सिमराही के हाट बाजार से होती है। और सिमराही हाट बाजार में इतना ज़्यादा रेवेन्यू होने के बावजूद भी स्थिति यह है कि सामने में आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। यहाँ नाला बिल्कुल भी नहीं, मैं आग्रह करूँगा यहाँ अपने कैमरामैन से कि दिखा, नाला विहीन है, नाला कहीं भी नहीं है। और ये सबसे पुराना सिमराही बाजार का, सिमराही नगर पंचायत का सबसे पुराना जो मोहल्ला है वो यही सिमराही गोल बाजार है। तो स्थिति यह है कि यहाँ नाला विहीन है, सड़क विहीन है। ये देखिए आप जो सामने देख रहे हैं, ये सड़क जो है अभी तक में ये सड़क बना नहीं है, कारण से जो है यहाँ आपको बहुत तरह के जो बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, डेंगू मलेरिया वगैरह का भी इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। घर के महिला बच्चे घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, अभी तो बारिश थोड़ी कम है, बारिश होने के बावजूद यहाँ की नारकीय हालत हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, जहाँ हम लोग खड़े हैं ये पहले ग्राम पंचायत हुआ करता था, आज के दिन में ये सिमराही नगर पंचायत है। सिमराही नगर पंचायत करीब 1 साल पूर्व से ही यहाँ घोषित हो रखा है, लेकिन पिछले 1 साल के दरमियान में जो है ग्राम पंचायत का भी लाभ नहीं मिला है और नगर पंचायत का भी लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिला है। और मोहम्मद रहमान। तो रहमान जी, आप बताएंगे आप यहाँ कितने दिनों से रहते हैं? हम यहाँ का जो है ना बहुत दिनों से रह रहे, मेरा मकान यहीं है, गोल बाजार के बगल में है जी। और यहाँ का समस्या इतना खराब है कोई देखने वाला नहीं है, और गोल बाजार का हटिया कोई ध्यान नहीं था, कोई नेता कोई लीडर कोई नहीं समस्या हल करता है। इतना कीचड़ होता है, गाड़ी आता है लसक जाता है, कोई इस पे ध्यान नहीं देता, बहुत तरह का जो है ना समस्या इसमें है। और इस पे कोई इन समस्या के लिए आप लोग अपने जनप्रतिनिधि से अधिकारी से बात किए हैं और उन्होंने क्या कहा? कोई सुनवाई नहीं लेता। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सिमराही जो है इसे व्यापारिक हृदय स्थली भी कहा जाता है सुपौल जिला का है, और यहाँ के लोग जो सिमराही का जो सबसे कोर पॉइंट है, सबसे बीच का केंद्र बिंदु है सिमराही गोल बाजार, यहाँ के लोगों की सूद लेने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो विभागीय पदाधिकारी हैं वो कोई भी इनकी सूद लेने के लिए नहीं आते हैं। और जो समस्या इनकी है उनके बारे में बता रहे हैं लोग कि कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। नाम सर? राजीव कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 6। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि ये आज़ादी के समय का ये हाट है, और यहाँ से बिहार सरकार को राजस्व की लगातार
आपत्ति हो रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट में यहाँ के आम जनता को नगन कुछ नहीं मिलता है। उसके अगेंस्ट में यहाँ बीमारी मिलता है जो आम जनता को मिलता है, चाहे बारिश हो या धूप हो, हमेशा कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। अतिक्रमण की समस्या, इतनी बड़ी एरिया है यहाँ पर, अतिक्रमण भी है। अभी अभी मैं आग्रह करूँ कैमरामैन से, देखिए यहाँ की रोड की हालत को देखिए, जो है किस प्रकार से रोड पर जो है गाड़ी फंस जाता है, ये देखिए कीचड़ में रोड। मैं बता दूं अभी पिछले 5-7 दिन से कोई बारिश नहीं हुई, उसके बावजूद भी यहाँ की हालत है। सोच तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब बारिश होगी तो यहाँ क्या हालत और यहाँ क्या परिस्थिति होती होगी। जी सर, ना यहाँ नाला है, ना सड़क है, सिर्फ कीचड़ है और ना शौचालय। सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी हाट लगती है यहाँ पे, तो शौचालय तो है ही नहीं, चाहे कोई भी हो, एक भी शौचालय नहीं है। नगर पंचायत की दुर्भाग्य है कि किसी भी वार्ड में शौचालय नहीं है और इतनी बड़ी हाट यहाँ लगती है, उसके बाद यहाँ चापाकल शौचालय की बहुत बड़ी समस्या। इस हाट बाजार में जो है, जो हटिया बाजार यहाँ पर का, यहाँ पर शौचालय भी नहीं है। यहाँ पर इस प्रखंड की नहीं, आसपास के प्रखंड के लोग भी जो है अपने कृषि उत्पाद को बेचने के लिए आते हैं और यहाँ पर चापाकल, पानी पीने के लिए चापाकल भी नहीं है और शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जो है नाला विहीन है, नाला बिल्कुल भी नहीं है। जो है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अभी आगामी 10 अक्टूबर को यहाँ का चुनाव होना है, नगर पंचायत जो पहली बार सिमराई नगर पंचायत बना है उसका चुनाव होना है, और यहाँ के लोग जो है यहाँ के जन समस्या से, जल जमाव हो, नाला विहीन हो, सड़क का दिक्कत है, सड़क भी नहीं है, सबसे पुराना हाट बाजार में सड़क नहीं है, शौचालय नहीं है, पानी पीने का कोई व्यवस्था नहीं है, और यहाँ का जो हाट लगता है उसमें गंदगी का अंबार है, और इन समस्याओं को देखते हुए यहाँ के वोटर, यहाँ के नागरिक जो है आगामी जो चुनाव होना है उसमें किस प्रकार से अपने जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद करते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर चुनाव संपन्न होता है और क्या इन लोगों का समस्याओं का समाधान होता कि नहीं है, ये देखना दिलचस्प होगा। जो है फिलहाल बने रहे MK News India के साथ, सहयोगी ब्रजेश कुमार और सुरेश कुमार सिंह के साथ विकास आनंद की रिपोर्ट।